हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं आपके लिए लाई हूँ रेसिपी वीडियो, इमली की चटपटी चटनी, जिसे आप फ्रिज में एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चटनी को आप किसी भी स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले 150 ग्राम इमली को 2 घंटे के लिए हमने पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इस भीगी हुई इमली को अच्छे से हाथों से मसल कर इसका पल्प निकाल लेंगे। अब इस पल्प को हम किसी स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लेंगे। पल्प को छानते समय करीब आधा कप पानी भी मिलाया है। फ्राई पैन को अच्छे से गरम करके उसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच लेंगे काली मिर्च, एक चम्मच लेंगे जीरा और दोनों को अच्छे से भून लेंगे। उसी फ्राई पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच काला तिल, ऐसे भून लेंगे। अब पल्प, इमली के पल्प को इसमें डाल देंगे। अब हम भूने हुए मसाले को पीस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी, आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाला है 1/2 स्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 स्पून व्हाइट सॉल्ट, 1 स्पून। अब इसमें वो मसाला ऐड कर देंगे जो हमने पीस कर रखा था। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, इसको चलाते हुए भी और पकाएंगे। ये देखिए हमारी चटनी गाढ़ी हो गई है, इसमें कोई तार नहीं बनता है, फिर भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे, हमारी चटनी बनकर रेडी है। इसे किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बनकर एकदम रेडी हो गई है। इसे आप किसी भी स्नैक्स के साथ या समोसों के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को जरूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।